अतिमन अतिक्रमण कर रहे हैं लोगों को हमारी जगह, वो अतिमन करके वहाँ पर पुल बनाए जा रहे हैं, घर बनाए जा रहे हैं, दुकाने कारखाने सब बना रहे हैं। इसीलिए ये महत्व का मुद्दा है। अगर ये चर्चा नहीं करेंगे, इसको अगर रूल सभा निकाल सस्पेंड करके चर्चा को अगर अवकाश देंगे, फिर किसको देंगे? प्लीज। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूँ, यू सस्पेंड द रूल, अलाउ द डिस्कशन, वी आर रेडी फॉर डिस्कशन। मल्लिका अर्जुन सदन में आग बबूला होकर भड़क उठे। बता दें कि मल्लिका अर्जुन ने कहा सदन में कि मैं हाथ उठाकर रिक्वेस्ट करता रहा, गुहार करता रहा कि देश में कुछ अच्छा हो, लेकिन सरकार ऐसी है कि देश का कुछ विकास नहीं कर पा रही है। हमें उसके बारे में सोचना चाहिए, हमें देश के हित के बारे में सोचना चाहिए, देश में अच्छा माहौल आए, अच्छे से लोग रह सके उसके बारे में सोचना चाहिए, अच्छी सड़कें हो, अच्छी नीति हो, अच्छे राजनीतिक हो, अच्छे रीति रिवाज हो। लेकिन आप इस पे गुहार कीजिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इसको ठीक कीजिए, सरकार लुटेरी हो चुकी है। मल्लिकार्जुन खड़गे जब भी जाते हैं सदन में या पार्लियामेंट में, तो वो अपने देश के हित के बारे में सोचते हैं, सभी के बारे में सोचते हैं, लेकिन सरकार सभी की कोई बात नहीं सुन पा रही है, वो देश को लूटने में ही लगी हुई है। तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो भी बात किया सदन में वो एकदम सही किया, वो देश के हित के बारे में ही सोचा। जिस तरीके से कांग्रेस सरकार अच्छा काम करती है वो उसके ही बारे में सोची है। 70 साल पहले भी उन्होंने अच्छा काम किया कांग्रेस, और वो आज भी अच्छे काम करेंगे, लेकिन बीच में बीजेपी आकर सब देश को बर्बाद कर दिया। तो इस पे आपको क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा, और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कर सकते हैं।